हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ़ अमरीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, इससे पहले मैं रेंज, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो किया था कार्ल पियर्सन ने। कब किया था? 1893 के अंदर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो डिस्पर्शन का मेजर करने का तरीका है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्मॉल डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्मॉल, इसका मतलब है जो यूनिफॉर्मिटी है वो ज़्यादा है ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज वेल होमोजेनिसिटी को ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्मॉल आता है, तो ये बताता है डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी को एंड होमोजेनिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है लार्जर, तो ये इंडिकेट करता है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द ऑब्जर्वेशन एंड हेटरोजेनिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन जजिंग द रिप्रेजेंटेशन मास इन द ऑफ द मीन। ये एक्सट्रीमली यूजफुल होता है जज करने के लिए रिप्रेजेंटेशन मास को ऑफ द मीन। मीन डेविएशन को इसके अलावा सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन को इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोला जाता है, और इसको डोनेट किया जाता है बाय सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स वन माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन। जो एक्स वन है वो होता है ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन, एंड एन इज़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगर सिंपल सीरीज दे रखी है, तो उसके अंदर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपके पास सिंपल सीरीज है, यानी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से दे रखी है, तो आप उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सीरीज में आपको कैलकुलेट करना होता है एक्स माइनस एक्स बार एंड डी स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है? एक्स बार से समझ में आ रहा होगा आपको मीन। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा मीन, यानी ये जो सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है इनको आपको करना होगा सम, सबको प्लस कीजिए। और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 11। और सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, अपॉन 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा मीन इज इक्वल टू 16। अब हमें निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स की वैल्यू ये है, और इसमें से एक्स बार यानी जो मीन आया निकल के 16, उसको माइनस करना होगा। यानी 16 हर एक्स में से माइनस करना है। 11 माइनस 16, 12 माइनस 16, 13 माइनस 16, 14 माइनस 16, 15 माइनस 16, 16 माइनस 16, 17 माइनस 16, 18 माइनस 16, 19 माइनस 16, 20 माइनस 16, 21 माइनस 16, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा डेविएशन। अब जो डेविएशन निकल के आया उसी का स्क्वायर कर दिए, तो इसे बोलेंगे डी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। फिर इसका हमने डी का जो सम कर लिया, सारी वैल्यूज़ का सम किया, ये आया 110। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट डी का स्क्वायर अपॉन एन। तो डी की वैल्यू जो समेशन आया था कितना आया था? 110, और एन कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी? 11। अंडर रूट 10, 110 अपॉन 11 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 की वैल्यू निकल के आई 33.16। अब कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3.16 एंड मीन क्या था? 16। 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.197। अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ में हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, तो इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एफ एक्स, फिर उसके बाद डेविएशन, फिर डी स्क्वायर, फिर एफ डी का स्क्वायर। यानी सबसे पहले एफ एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 12 × 3 = 36, 8 × 2 = 36, 15 × 7 = 105, 7 × 10 = 56, 10 × 2 = 20। एफ की वैल्यू उसको सम कर लीजिए, कहलाएगा समेशन एफ इक्वल टू 22। फिर समेशन एफ एक्स कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो इसे बोलेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 253। फिर डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन इक्वल टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई, तो फ्रीक्वेंसी वाला मीन कैसे निकालते हैं? यानी डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालते हैं समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स आ रहा है 253 और समेशन एफ आ रहा है 22, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.5। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेविएशन को कैसे करेंगे? सारी एक्स की वैल्यूज में से मीन की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, 12 माइनस
11.5, 18 माइनस 11.5, 15 माइनस 11.5, 7 माइनस 11.5, 10 माइनस 11.5, इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ आए इसी का स्क्वायर कर दिए, इसे बोलते हैं डी स्क्वायर। ये निकाली इन्होंने, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.25, 6.5 का स्क्वायर करेंगे 42.25, 3.25 का हम स्क्वायर करेंगे 12.25 आएगा, फिर माइनस 4.5 का हम स्क्वायर करेंगे 20.25 आएगा, माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 आएगा। ठीक है, फिर आप इसके बाद करेंगे एफडी का स्क्वायर कैलकुलेट। एफडी का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ की वैल्यू जो है 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर से, यानी 3 × 0.25 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। एफ़ की वैल्यू को डी की स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एफ डी का स्क्वायर निकालेंगे और फिर समीशन डी निकालेंगे। सारी वैल्यू को प्लस करने के बाद समीशन डी निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट अगर सीरीज है तो अंडर रूट समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू अंडर रूट 337.5 अपॉन 2। फिर कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो आ जाएगी 3.916। कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 3.916 और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कितना आया 11.5, तो ये कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.34। अगर कंटिन्यूस सीरीज होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज के लिए आपको सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये दे रखी है एक्स की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू दे रखी है, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, 5 + 10/2 कर दीजिए, दोनों वैल्यू को प्लस कीजिए अपॉन 2 कर दिए, ऐसे इन दोनों को प्लस कीजिए अपॉन 2 करिए तो ये आ जाएगा 12.5, फिर इन दोनों को प्लस किया अपॉन 2 करिए 17.5 आएगा, 20 + 25/2 करेंगे तो इजिकल 2 आएगा 22.5, 25 + 30/2 करेंगे तो आ जाएगा 27.5। फिर एफ को की वैल्यूज़ जो दे रखे हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, उसे बोलते हैं समीशन एफ इजिकल टू 25। फिर उसके बाद मिड वैल्यू जब निकल के आ गई हमारी तो फिर निकालेंगे हम एफ एम, यानी एफ की वैल्यू को एम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मिड वैल्यू से 4 × 7.5 = 30, 5 × 12.5 = 62.5, 6 × 17.5 = 105, 7 × 22.5 = 157.5, 3 × 27.5 = 82.5। अब इनकी एफ एम की जो वैल्यूज आई उनको सबको सम कर लीजिए, इसे बोलते हैं समीशन एफ एम, ये आ गई 437.5। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है मीन। मीन कैसे निकालेंगे, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, एफ एम की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ रख देंगे और समेशन एफ की वैल्यू रखेंगे, ये आ गई मीन की वैल्यू 17.5। अब मीन की वैल्यू जो आई उसको जितनी मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं उन सब में से मीन को माइनस कर दिए, यानी 7.5 में से, 12.5 में से, 17.5 में से, 22.5 में से, 27.5 में से 17.5 जो कि मीन की वैल्यू है इन सब में से माइनस करेंगे, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। अब जो डी की वैल्यू निकल के आएगी उसको स्क्वायर करेंगे तो आएगी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के बाद वैल्यूज़ निकालने के बाद निकालेंगे एफ डी का स्क्वायर, यानी एफ इंटू डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एफ डी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इनका सम कर लेंगे तो उसे बोलते हैं समेशन डी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कंटिन्यूस सीरीज इज, इसको फॉर्मूले को आपको सारे याद करने पड़ेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज का क्या फॉर्मूला है और कंटिन्यूस सीरीज का क्या फॉर्मूला है। तो कंटिन्यूस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो एफ डी का स्क्वायर आया हमारा, समेशन एफ डी का स्क्वायर कितना आया 1041 अपॉन करेंगे एन कितना आ रहा है 25। फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू 6.45। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये आया और उसको मीन से डिवाइड कर दिया, मीन है 17.5 इजिकल टू 0.7 आ जाएगा। अब मेरिट क्या है और डी मेरिट, स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरिट्स हैं कि सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, रिजिडली डिफाइन होता है, फ्लक्चुएशन इन सैपलिंग से इस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है और एक्सट्रीमली यूजफुल होता है कोरिलेशन के एस्टिमेट करने में। डी मेरिट क्या है, इसे कंप्यूट करना मुश्किल है तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी स्क्वायर निकालना है, एफ डी का स्क्वायर निकालना है, तो कंप्यूट करना से मुश्किल है, नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड और समझना भी थोड़ा टिपिकल है क्योंकि हर सीरीज का अलग अलग फॉर्मूला है और कहीं कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको मिड वैल्यू निकालनी है, फिर डिविजन निकालना है, तो सिंपल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी है थोड़ा समझना, एंड गिव मोर वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यू। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल क्या है, यूजेस क्या है।
ये इस्तेमाल किया जाता है समराइज करने के लिए डेविएशन ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम द मीन। फिर दूसरी बात, ये हेल्प करता है रीजनिंग में वेदर द डिविएशन इज नेचुरल और रियल ड्यू टू सम स्पेसिफिक कॉजेस। रीजनिंग में हेल्प मिलती है, फाइंड करने में हेल्प करता है स्टैटिकल एरर को, वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू सिमिलर सैंपल इज बाई चांस और रियल, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो बाई चांस आ रहा है या वो रियल है, वो हम स्टैटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं। और हेल्प करता है फाइंड आउट करने में सुटेबल सैंपल साइज फॉर द वैलिड कंक्लूजन। ये हुई बात आज स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर यूजफुल लगा और अच्छा लगा आपको, हेल्प मिली इस वीडियो से, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।